आप लोगों ने फेम टू जो स्कीम है उसके बारे में सुना होगा जिसके अंदर हम वी एमिंग फॉर फास्टर अडोप्शन फॉर मोबिलिटी ई व्हीकल्स राइट ई व्हीकल्स की अडोप्शन जो फास्ट करने के लिए जो स्कीम्स आई थी सरकार के थ्रू राइट right? वो जो है थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड होने वाली है राइट बट वी वॉन्ट की जो अडोप्शन है ऑफ ई व्हीकल्स ये ना रुके राइट right? तो उसी के कंटिन्यूशन में एक सरकार ने स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है विच इज कॉल्ड ईएमपीएस अभी देख लेते हैं हम राइट सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच इज कॉल्ड ई एम पी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एज दी सक्सेसर ऑफ द फेम टू स्कीम देखिए यूपीएससी के अंदर इस टाइप की स्कीम जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि ये आपकी एक तो गवर्नेंस से रिलेटेड है है ना सरकार में करंटली कौन सी स्कीम चल रही है ये आपको पता होना चाहिए प्लस ये इसकी जो टाइमिंग है ना बच्चे कि दूसरे वाली थर्टी फर्स्ट मार्च को खत्म हो रही है और आप, आपका जो एग्जाम है वो अगले तीन चार महीने बाद आने वाला है राइट लगभग लग तीन महीने बाद आने वाला है राइट तो वहां पर यह स्कीम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि पेपर में इसके थ्रू क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं आपको एटलीस्ट बेसिक बेसिक जो है वो पता होना चाहिए इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट right, पूछे तो वहां पे भी आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना नेशनल गवर्नेंस की स्कीम है आपको याद होगा कि ई स्कूटर वगैरह लोग जब खरीदते थे तो उनको एक एक लाख में स्कूटर पड़ जाता था कि इतने का है बाकी बच्चों में पैसे सरकार दे रही है किसी किसी स्लैब के अंदर पंद्रह परसेंट किसी में पचास परसेंट सरकार देती थी सब्सिडी की फॉर्म में है ना और सब्सिडी आपको पता है कि वो होती तो आपके लिए लेकिन आपके बिहाफ पे कंपनी को जाती है राइट right. तो ये इस टाइप के छोटे छोटे छोटी चीजें हैं जो इस टाइप की चीज में हमने ध्यान रखना होता है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं इज बिकॉज कि ये आपके इकोलॉजी से रिलेटेड है वेन एवर वी आर मूविंग टूवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन या फिर हम ई e व्हीकल्स की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये आपके इकोलॉजी का टॉपिक है वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द

बाकी जितनी चीज़ें हैं टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स ई रिक्शाज वगैरह जो होते हैं उसके लिए ये स्कीम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है अब सब्सिडी का मतलब ये तो नहीं है कि सरकार आपको पैसा देगी और आप स्कूटर कंपनी को पूरा पैसा दोगे नहीं आप तो उतना ही पैसा दे रहे हो जितना आपके पास में है और जितना वहां पर लिखा हुआ है सब्सिडी डायरेक्टली सरकार को दे देती है दैट मीन्स जो प्रोड्यूस करते जो मैन्यूफैक्चर है उसको सरकार की तरफ से डायरेक्टली पैसा जाएगा राइट हैंस द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है

क्या है ये स्कीम इट एम्स टू फर्दर ऑफ इलेक्ट्रिक वेकल इन दी कंट्री दिस फंड इज दिस इज अ फंड लिमिटेड स्कीम विद टोटल आउटले ऑफ ऑफ इतना इट इज फॉर फास्टर इलेक्ट्रिक ये देखिए बच्चे टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स ये देखो आपने याद रखना है यह है आपका का पॉइंट किस चीज के लिए है ये टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है गाड़ियां इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे टू व्हीलर्स है राइट right? इसके अलावा वी हैव थ्री व्हीलर्स और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको ई थ्री डब्ल्यू टू डब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है नोडल मिनिस्ट्री बच्चे मैंने आपको पहले बता दिए फर्दर एंड एडिशन टू कमर्शियल यूज प्राइवेटली कॉर्पोरेट ओन रजिस्टर्ड ई टू व्हीलर विल ऑल्सो भी एलिजिबल तो टेक्निकली कोई भी टू व्हीलर जो कि ई टू व्हीलर है आपका वो इसमें इंक्लूडेड है चाहे आप फर्म के नाम पे भी ले लो किसी के नाम, नाम नाम पर्सनल पे पे ले लो, पे ले लो, लो, या फर्म के जैसे आपको सही कंटिन्यूएशन है वैसे. Right. बच्चे, मैंने इसका आपको पहले भी बताया कि ये हाइब्रिड वर्ड इंपॉर्टेंट है ये बहुत पहले कि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फेम टू स्कीम थी इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडेड है या हाइब्रिड भी इंक्लूडेड है हाइब्रिड भी है हाइब्रिड इज जो दो मोड्स ऑफ फ्यूल के ऊपर काम कर सकती है इधर इलेक्ट्रिक और आपका साथ में कुछ व्हीकल्स में सी प्लस इलेक्ट्रिक है कुछ व्हीकल्स में पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक है राइट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूज डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आप समझ रहे हो ना कि इसमें जैसी आपकी डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी इंपेटिस मिलता है उसको भी एक पुश मिलता है राइट दिस स्कीम कवर्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक लाइक माइल्ड हाइब्रिड और ये सब फर्स्ट फेज ऑफ फेम द स्कीम हैड फोर फोकस एरियाज नेमली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिमांड क्रिएशन पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बाद में आपने देखा भी होगा जो मैं बात कर रहा था आपसे इसके बाद में आपने देखा भी होगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंट्री के अंदर बढ़ा था इसके बाद में इट केम आउट टू द फेज टू जिसको हम फेम टू के नाम से भी जानते हैं राइट और इसके अंदर बजट लेआउट जो है थोड़ा सा बढ़ गया था राइट एंड नाउ भी है ई एंड दट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024